हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। सॉरी फॉर द डिले, बहुत लेट हो गया क्योंकि माइक में कुछ इशू आ गया था। नया माइक कनेक्ट किया है। अगर मैं ऑडिबल हूँ तो बता दो, एक बार चेक भी कर लो क्योंकि इस वाले माइक का भी कुछ पता नहीं कि ढंग से चलेगा नहीं चलेगा। एक बार मैं चेक कर लूँ। यार देखो, अगर आप चार्ट्स के अंदर किसी भी और इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना? ओके, सिंपल। तो दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम लाइव नहीं भी हैं एंड यू आर यूजिंग द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इन आर चार्ट्स, यू विल बी ब्लॉक्ड, सिंपल एंड सोबर। ओके, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड अगर आप ब्लॉक हो जाते हो उसके बाद मत बोलना कि क्यों ब्लॉक किया है ये सब कुछ, राइट? प्लीज़, अगर आपका खुद का भी कुछ होगा ना और आप किसी खुद का कुछ चला रहे होगे तो ऑब्वियसली आप किसी और का नाम अपने उस पर प्लेटफॉर्म पर दिलवाना नहीं चाहोगे, राइट? ओके, दैट इज़ अ बेसिक थिंग। ओके, अपने ऊपर लेके चलो। तो चार्ट्स के अंदर जो भी नाम लिए हुए थे इंस्टीट्यूट्स के, उन लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। आगे से प्लीज़ मत लेना नाम, नहीं तो आपको भी ब्लॉक कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। Tibetans are seeking more autonomy, not separation from China, says Dalai Lama. Autonomy is independence. ठीक है, audible है? ठीक है, autonomy is the ability to take your own decisions. हम सबको autonomy चाहिए होती है, ठीक है? autonomy, ability to take, sorry for the verb, ability to make your own decisions without being controlled by anyone. That is autonomy. राइट, ऑटोनॉमी क्या है? अबिलिटी टू टेक योर ओन डिसीजन विदाउट बींग कंट्रोल्ड बाई एनी वन। ठीक है, तो अब हेडिंग नोट करेंगे इसकी। तो यहाँ पे क्या है, तिब्बतियंस आर आस्किंग फॉर मोर ऑटोनॉमी बट नॉट पॉलिटिकल सेपरेशन, अजर्ट्स द दलाई लामा, एडिंग दैट वाइल ही विशेज टू रिविजिट ल्हासा, ही विल प्रेफर टू लिव इन धर्मशाला। तो बेसिकली तिब्बतियंस जो हैं वो चाहते हैं चाइना जो है उनकी इंडिपेंडेंस को मतलब वो करता है, नहीं इंडिपेंडेंट होने देता है, और वो चाइना का पार्ट ही मानता है। वो कह रहे हैं कि हमें अभी अलग नहीं होना है, तिब्बत वाले जो हैं जो दलाई लामा हेड करते हैं, ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। चाइना हैज़ हाउएवर रिजेक्टेड दीज रिमार्क्स, अक्यूजिंग दलाई लामा हु हैज़ लिव्ड इन एग्जाइल इन इंडिया सिंस 1959 ऑफ बींग अ स्पिटिस्ट और सेपरेटिस्ट, ठीक है, कि सेपरेट करने की कोशिश की है तुमने तिब्बत को चाइना से, ठीक है। तो यहाँ पे तिब्बतियंस आस्किंग फॉर ऑटोनॉमी नॉट सेपरेशन फ्रॉम चाइना, ठीक है। अब ल्हासा क्या है, व्हाट इज ल्हासा? ल्हासा इज द अर्बन सेंटर ऑफ द परफेक्चर लेवल ल्हासा सिटी। इट इज़ बेसिकली द कैपिटल ऑफ तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इन साउथ वेस्ट चाइना, ठीक है। इट इज़ कैपिटल ऑफ तिब्बत, ठीक है। तिब्बत वैसे तो पार्ट है चाइना का, बट वो अपने आप को अलग भी मानता है, तो ल्हासा उसकी कैपिटल है, ठीक है। जो दलाई लामा हैं जो हेड करते हैं तिब्बत को, दलाई लामा lived in exile, अभी भी रह रहे हैं exile in India since 1959 से रह रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइना कहते हैं नहीं, तुम तो सेपरेटिस्ट हो। exile के अंदर मतलब ही इज barred from visiting his native country, the state of being barred, prohibited from one's native country. native मतलब जहाँ से belong करते हैं, ठीक है ना। तो बार्ड का मतलब, एग्जाइल का मतलब क्या होता है, बार्ड फ्रॉम विजिटिंग
नेटिव प्लेस और कंट्री? ठीक है, बार्ड मतलब प्रोहिबिटेड, ठीक है, नेटिव मतलब जहां से बिलोंग करते हैं, रूट्स हैं जहां की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, इन जुलाई दलाई लामा हैड सरप्राइज मैनी बाय अनाउंसिंग दैट ही हैज बीन कॉन्टैक्टेड ऑफिशियली और अनऑफिशियली बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू डील विद तिब्बतन प्रॉब्लम्स, दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑल्सो रेडी। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा कि चाइनीज लोगों ने, चाइना गवर्नमेंट ने उनको कांटेक्ट किया है कि हम सब चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि तिब्बत जो है चाइना अपना पार्ट मानता है, तिब्बतन जो बुद्धिस्ट हैं बेसिकली दलाई लामा के अंडर, ठीक है, वो इनसे अलग होना चाहते हैं। दलाई लामा एग्जाइल में रहते हैं, इंडिया में धर्मशाला में रहते हैं सिंस 1959। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चलेंगे आगे, शूटिंग स्टार्स वुमेन्स क्रिकेट टीम मेक इंडिया प्राउड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एशियन गेम, एशियन गेम अपडेट्स। सबसे पहले तो एशियन गेम्स कहाँ पर हो रही हैं, आज थॉट ऑफ द डे लास्ट में करते हैं, जाते हुए अगर मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई भी कर लोगे, ठीक है, तो आज एंड में करते हैं। शूटिंग स्टार्स वुमेन्स क्रिकेट टीम मेक इंडिया प्राउड ऑन डे टू ऑफ एशियाड, वाइल द वुमेन्स क्रिकेट टीम फिनिश्ड ऑन टॉप द यंग गन्स ऑफ इंडियन शूटिंग कम्बाइंड फॉर अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 10 मीटर एयर राइफल टीम कॉम्पिटिशन ऑन द सेकेंड डे ऑफ द गेम्स। Age 22, 19, 20 respectively, the trio of Aishwari Pratap Singh Tomar, Rudraksh Patil and Divyansh Singh Panwar showed that the next generation of Indian shooters was ready for the big stage, upsetting favorite and host China to score 1893.7 points to give India its first gold here. The first two then ended up in shoot-off for the bronze medal in the individual event. Panwar was unlucky to lose on an out on countbacks. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वो दिखा रहे हैं शूटर्स। अब देखो यार क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन होते हैं और कोई ऐसा बड़ा कॉम्पिटिशन हो जैसे कॉमनवेल्थ हुआ था, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एशियन गेम्स के अपडेट्स के अंदर हमें जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे वो ये तो कि किसने कौन सा मेडल जीता, कौन सी गेम में थे, और दूसरा ये भी है कि वो नाम भी दे सकते हैं कि अच्छा ये वाला प्लेयर जो है वो कौन सी गेम को बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट थिंग जो है, वुमेंस क्रिकेट टीम फिनिश ऑन टॉप, तो सबसे पहले तो वुमेंस, इंडिया की वुमेंस क्रिकेट टीम फिनिश्ड on top beating श्रीलंका, ठीक है, किसको हराया, श्रीलंका को हराया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हमें ये शूटर्स के नाम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लिख लेते हैं आशीष ऐश्वरी प्रताप सिंह, ठीक है, रुद्रांश पाटिल, ठीक है, दिव्यांश सिंह पनवर, ठीक है, शो द नेक्स्ट, द फर्स्ट टू देन एंडेड अप इन शूट ऑफ फॉर द ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट टू जो था ब्रॉन्ज मेडल, पनवर वॉज अनलकी टू लूज आउट ऑन फर्स्ट टू, इंडिया इज फर्स्ट गोल्ड हेयर। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये शूटिंग में है इनका, या ये क्लियर कट हमें देखना पड़ेगा किसका गोल्ड और किसका वो है, इनका तो कोई मेडल नहीं आया, ठीक है, एक का गोल्ड आया और एक का ब्रॉन्ज आया है। अब इसके अंदर इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल द टीम अनीश भनवरला, आदर्श सिंह एंड विजयवीर सिंह सिद्धू फिनिश्ड, विजयवीर सिद्धू फिनिश्ड थर्ड बट विजयवीर स्लिप टू फोर्थ इन द इंडिविजुअल इवेंट। ठीक है, अब 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में टीम ऑफ अनीश भनवाला, आदर्श सिंह एंड विजयवीर सिद्धू फिनिश थर्ड, ठीक है ना, एज अ टीम ये थर्ड आए।
ठीक है, मेरे ख्याल से वो कलेक्टिवली इनका गोल है, एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि दो हिंदू के अंदर ना ये बहुत क्लियरली बताते हैं, श्रीलंका से जीते इंडिया वाले, ये मैंने लिखवा दिए, द इंडिया रोवर्स एंडेड द कैंपेन विद टू ब्रॉन्ज एज इंडिया फिनिश द डे विद अ सेटिस्फैक्ट्री हॉल ऑफ टू गोल्ड एंड थ्री ब्रॉन्ज टू टेक इट्स मेडल टैली टू। रोइंग के अंदर भी दो हमारे गोल्ड आए हैं। इन द इवेंट्स फोर इवेंट आशीष पुनीत कुमार भीम सिंह एंड जसविंदर सिंह वर पुश्ड टू द थर्ड स्पॉट बाय चाइना सतनाम सिंह, ये सारे। ठीक है, रोइंग वाला हमने कल ही लिख लिया था आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। उसके बाद एचसी नोटिस टू बीबीसी ऑन मोदी डॉक्यूमेंट्री। देखो मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है वो किसने बनाई थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिया, हेडिंग देंगे द मोदी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री है, क्या है, डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री बाय, एक मिनट, डॉक्यूमेंट्री बाय बीबीसी, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, दैट इज बीबीसी, सॉरी दैट इज बीबीसी। अब ये क्यों क्रिटिसाइज हो रही है, क्यों कोर्ट में गए हैं, तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो है इसके दो पार्ट्स बने। ठीक है, क्या बने, दो पार्ट्स बने, ये लिख लेते हैं, टू पार्ट्स बने। एक पार्ट के अंदर गुजरात राइट्स के बारे में बोला गया कि मोदी जो कि तब सीएम ऑफ गुजरात थे, ही इज रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने कहते कि ब्रिटेन वालों ने इंक्वायरी करी और इनको पता चला है कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, राइट। और सेकेंड वालों में इन्होंने सीएए की जो प्रोटेस्ट हुई थी, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी, उसके ऊपर बनाया, टू पार्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ऑन मंडे इशूड नोटिस टू बीबीसी, क्या अपीयर हो, कास्ट अ स्लर ऑन द कंट्रीज रेपुटेशन। ठीक है ना, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस हो गया है, हाई कोर्ट केस अगेंस्ट बीबीसी की, फॉल्स डेफेमेटरी, फॉल्स डेफेमेटरी रिमार्क्स। ठीक है ना, अगेंस्ट पीएम एंड जुडिशरी, तो वो इसको उन्होंने चैलेंज किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद, द सेंटर हैज़ अर्लियर इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग यूट्यूब वीडियोज एंड ट्विटर पोस्ट शेयरिंग लिंक्स टू द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैड डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्री एज अ प्रोपोगेंडा पीस। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, बीबीसी जो है, बीबीसी ब्रिटेन की मीडिया कंपनी, गवर्नमेंट ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसकी फुल फॉर्म है, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली जिसका नाम क्या है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन आ जाते द इंडिया द मोदी क्वेश्चन किसने बनाई, बीबीसी ने बनाई। बीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कॉरपोरेशन, सॉरी। ठीक है, टू पार्ट्स बनाए, गुजरात राइट्स वाले में बोला कि सीएम ऑफ गुजरात जो कि पीएम ही थे, मोदी जी थे तब, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। सीए प्रोटेस्ट को भी क्वेश्चन किया, इंडियन जुडिशरी को क्वेश्चन किया, इंडियन जुडिशरी को क्यों क्वेश्चन किया, क्योंकि इंडियन जुडिशरी हाल ही में कह चुके हैं कि मोदी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे गुजरात राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद पटकर अपील्स टू ममता टू इंक टीस्टा वाटर ट्रीटी। तो टीस्टा वाटर ट्रीटी जो है वो, टीस्टा वाटर ट्रीटी में क्या कह रहे हैं, टीस्टा वाटर ट्रीटी किसके बीच में होगी, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट आस्किंग ममता बनर्जी, ममता बनर्जी कौन है, शी इज़ द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, टू अग्री टू शेयर टीस्टा रिवर वाटर विद बांग्लादेश। ठीक है ना, अब क्योंकि अब इनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो है वेस्ट बंगाल जो है बॉर्डर लगता है और उनको मतलब वहाँ के फार्मर्स डिपेंड करते हैं टीस्टा रिवर पे, तो वाटर शेयरिंग अगर बांग्लादेश के होती है तो इस स्टेट को फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए एक्टिविस्ट मेघा पाटकर जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप मान जाइए। तो एक्टिविस्ट का नाम भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, मोर वुमेन ऑधुवर्स इन तमिलनाडु टेम्पल्स, दोज वुमेन कम फ्रॉम वेरीड बैकग्राउंड। तो ऑधुवर्स क्या होती हैं, डिवोशनल सिंगर्स। ठीक है, मोर वुमेन ऑधुवर्स
इन तमिलनाडु टेम्पल्स? ठीक है, ऑदुवर्स कौन होते हैं? वो आर ऑदुवर्स, ऑदुवर्स आर डिवोशनल सिंगर्स। चलिए, उसके बाद मतलब वुमेन को अपॉइंट कर रहे हैं तो ये बहुत ही अलग बात है, तो ओधुवर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन है। बट एससी टू एग्जामिन अ प्ली अलेजिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इन अगामिक ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल। तो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि वुमेन प्रीस्ट जो हैं वो अपॉइंट होंगे, राइट? वुमेन प्रीस्ट अपॉइंट होंगे तमिलनाडु के टेम्पल्स में। ये तो ओधुवर्स है ना, ओधुवर्स तो जो डिवोशनल सिंगिंग करते हैं वो है, प्रीस्ट वो लोग हैं जो बाकी सारा काम करते हैं, मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं वो सब कुछ करते हैं, और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इंटरफेयर करिए। तो पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एग्री टू एग्जामिन अ सीरीज ऑफ पिटिशंस एलिगेशन एलिजिंग दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू अपॉइंट नॉन बिलीवर्स एज अर्चाकास्ट, दैट इज प्रीस्ट, जो बिलीव नहीं करते हैं उसके अंदर उनको यू नो अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, देखिए, पिटिशन, पिटिशन का मतलब केस फाइल किया हुआ है। पिटिशन का मतलब क्या है? केस, ठीक है। पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, अलेजिंग, अलेजिंग का मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। अलेजिंग दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट अटेम्प्टिंग टू अपॉइंट नॉन बिलीवर्स एज अर्चाकास। अर्चाकास कौन होते हैं? प्रीस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब वैसे जो बिलीफ है वो क्या है? कॉन्ट्रेरी टू एज ओल्ड अगामास, दैट इज अगामास क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट गवर्निंग टेम्पल्स, ठीक है। तो रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं जो गवर्निंग कर गवर्न करते हैं टेम्पल्स को, अगामास जो हैं उनको, उनसे कॉन्ट्ररी मतलब जो उसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी उससे अलग करी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। टू क्वैश स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव इशूड इन जुलाई एंड ऑगस्ट टू ट्रेन पर्सन इन द परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स टू ट्रेन पर्सन्स टू परफॉर्म रिचुअल्स चैलेंज्ड, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया वो सही नहीं है। द पिटिशन सेड, पिटिशन सेड, पिटिशन मतलब जो केस फाइल करे गए हैं, ठीक है। सेड द स्टेट डायरेक्टिव वर अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ओन जजमेंट विच हैड अपहेल्ड द राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। द टॉप कोर्ट हैड हेल्ड दैट अगामास ऑफ द टेम्पल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चाकास, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अर्चाकास जो हैं, ठीक है, जो प्रीस्ट हैं वो अगामास के अकॉर्डिंग अपॉइंट होंगे। अगामास क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट। अर्चाकास क्या है? प्रीस्ट्स, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। एज पर अगामास ओनली द डिनोमिनेशंस ऑफ सिर्वाचार्यास, गुरुखाला काल्स आदि साइवार्स, बतार्स एंड पंचारात्रा एंड वैष्णासा भट्टाचार्यास आर इंटाइटल टू परफॉर्म पूजास इन सेवेट एंड वैष्णवाइट टेम्पल्स रिस्पेक्टिवली। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अगामास गवर्निंग द स्पेसिफिक टेम्पल। तो कुछ स्पेसिफिक लोग मे बी डिनोमिनेशंस के हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं पूजा, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, राइट? तो वो चैलेंज हुआ है। आगे चलेंगे, बुलवाक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स एज अ डिफेंस। तो ये पढ़ेंगे। देखिए, G20 की बार बार बात होती है, तो अब ये क्या कह रहे हैं G20 के बारे में कि इंडिया ने डेली डिक्लेरेशन, द न्यू डेली डिक्लेरेशन, न्यू डेली डिक्लेरेशन में क्या हुआ है? वाई इज़ इट बींग प्रेज्ड? न्यू डेली डिक्लेरेशन क्यों प्रेज हो रही है बार बार? इसको फटाफट से एक जल्दी वाली रीडिंग देंगे। इंडिया स्क्रिप्टेड अमेजिंग सक्सेस टू G20 मीटिंग इन दिल्ली ऑन सितंबर 9 and 10 एंड डिस्पाइट द ऑड सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग अ कंसेंसस डिक्लेरेशन। तो यहीं से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले G20 जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई, अगर आपको नहीं पता ये इंपॉर्टेंट है, 9 to 10 September के बीच में कंडक्ट हुई। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं नोट करी है इसको नोट कर लीजिए। थर्ड जो है वो आया कंसेंसस,
डिक्लेरेशन, ठीक है, जो कंसेंसस डिक्लेरेशन क्यों उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है, यूक्रेन के साथ नाटो कंट्रीज हैं, G7 है, ठीक है, EU कंट्रीज जो हैं वो किसके साथ हैं, यूक्रेन के साथ है, और उधर रशिया के साथ जो है चाइना है, ठीक है, ये बहुत है, और कुछ कंट्रीज जो हैं वो न्यूट्रल है, तो वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, ठीक है, तो इसलिए कंसेंसस मतलब सब जिस चीज़ से अग्री करें वो वाला एक डिक्लेरेशन लेकर आना G20 का थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इंडिया ने वो कर दिखाया है, तभी इंडिया की बहुत तारीफ हो रही है, ठीक है। उसके बाद G20 के बारे में बात करें यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी का क्या एजेंडा, क्या थीम दी G20 को, ठीक है, वासुदेवाय कुटुंबकम। वासुदेवाय कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक अर्थ है, एक ही परिवार है हम, और एक ही हमारा फ्यूचर है। द न्यू डेली डिक्लेरेशन दस शार्पली डिफर्स फ्रॉम बाली डिक्लेरेशन। बाली डिक्लेरेशन जो प्रीवियस ईयर की G20 थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, वहाँ की जो डिक्लेरेशन थी वहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज किया गया था, कंडेम किया गया था, बट यहाँ वाली जो इंडिया की डिक्लेरेशन है उसके अंदर कहा गया है कि बातचीत करके आप रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई है उसको रिजॉल्व करने का करा जाए, ठीक है। फॉर इंडिया विच इज़ फाउंडर मेंबर ऑफ G20 फॉर्मड इन 1990, अभी 1999, तो यहाँ पर अब ये हम लिख सकते हैं G20 के बारे में बता रहे हैं ये, इंडिया जो है, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर, लिखिए इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द G20 फॉर्मड इन 1999 as a grouping of finance ministers and central bank governors, ठीक है। तो पहले क्या था, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते थे, लीडर्स नहीं मिलते थे, ठीक है। कब हुई थी ये फाउंड, कब किया गया था, 1990 के अंदर, 1999 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 2008 में इट वाज अपग्रेडेड टू समिट लेवल इन 2008, ठीक है, एंड विच होस्टेड द मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। 2002 में हमने ऐसे तो क्या क्या था, होस्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। द वर्ल्ड हैज बिकम टूडे इंडिया इज अमंग्स द लीडर हुज वर्ड काउंट्स, ठीक है। वो कहते पहले हमारी इतनी इज्जत नहीं थी, बट अब तो हमारा दबदबा है, मतलब वर्ल्ड को पता है इंडिया क्या है, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है अब यार, कोई फॉरेन से कोई आ जाए बस, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला, पहले बहुत बेइज्जती करते थे हमारी, अब नहीं सहते हम, अब इनकी बेइज्जती करते हैं, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबको नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस हो गया नाटो, ठीक है, पहले तो हम एक बार पढ़ लेते थे बस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि नाटो जो है ना वो US मिलिट्री सप्लाई पे डिपेंड करेगा, US जो होगा बहुत सारे डिफेंस मटेरियल अपना बेच पाएगा नाटो वाली कंट्रीज को, क्यों, क्योंकि उन सबको डर लग रहा है किससे, रशिया से, कि हमको रशिया से बचना है तो बहुत सारा असला चाहिए, तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है, US का बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बेचेगा वो बहुत ज़्यादा सामान। एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज 5,000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड टू तमिलनाडु अंटिल सेप्टेम्बर 27। देखो यार, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इतना फेमस हो गया ना आजकल, हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज, इट इज़ बिटवीन टू कंट्रीज, नो, इट इज़ बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज CWMA, डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज 5,000
क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकंड। अब Q6 की फुल फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर दी हुई है। क्लैट वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लें, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, टू तमिलनाडु, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईली चोजन टू डिफर द विजडम। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना पानी देना पड़ेगा। पानी दे क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि भाई बारिश नहीं हुई है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतना पानी तो देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये पानी पानी की बात है। उसके बाद बात करते हैं अजरबैजान की। यार ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अजरबैजान वाला, बिकॉज इतने सालों पुराना डिस्प्यूट। ये ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अगर इंडिया को भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर ले वापस से, तो वैसा सा हुआ है, ठीक है? तो एक मिनट रुको, ये पढ़ लेते हैं फटाफट से। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसको क्या बोलते हैं? नोगोर्नो काराबाक, ठीक है? क्यों मैं तुम्हें बार बार लिखवा रही हूँ इसीलिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे रेड पेन से, नोगोर्नो काराबाक, ठीक है? नोगोर्नो काराबाक। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, किसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है? इट इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ठीक है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। उसके बाद अजरबैजान ब्रिस्क मिलिट्री रिकैप्चर, तो अजरबैजान ने क्या कर लिया है? अजरबैजान रिकैप्चर्ड अगोर्नो, नागोर्नो, मैं भी अगोर्नो के लिख रही हूँ, नागोर्नो काराबाक एंड आर्मेनियन पॉपुलेटेड इनक्लेव विद इन इट्स बॉर्डर्स, ठीक है? चेंज इन पावर डायनामिक्स इन कोकासस, ठीक है? वेयर अमेरिकन रशियन एंड टर्किश इंटरेस्ट्स कोलाइड। द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गो बैक टू द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गो बैक टू द फाइनल डेज ऑफ सोवियत यूनियन व्हेन द इनक्लेव्स मेजॉरिटी। ये सारा लिख लीजिए एक बार, ये आपको लिखना पड़ेगा। रूट ऑफ, इसको मैं समझाऊंगी भी, पहले लिख लीजिए, रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोज बैक टू फाइनल डेज ऑफ सोवियत यूनियन इनक्लेव्स मेजॉरिटी आर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन हेल्ड अ रेफरेंडम टू ब्रेक अवे फ्रॉम शिया मेजॉरिटी शिया मेजॉरिटी कहाँ से लिख रही थी मैं, खुद घूम घूम गई मैं, शिया मेजॉरिटी अजरबैजान। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसे नहीं तो कन्फ्यूजन जाएगी। नगोर्नो काराबाख रीजन जो था वो वैसे अजरबैजान का ही है, ठीक है? अजरबैजान का ही है वो, ठीक है? बट क्या हुआ,
जब सोवियत यूनियन के फाइनल डेज चल रहे थे, मतलब रशिया और उसके सारे साथी अलग अलग हो रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अर्मेनिया में, अर्मेनिया की क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो नगोर्नो काराबाख रीजन में ज़्यादा थी। उन्होंने रिफरेंडम कंडक्ट किया, मतलब लोगों से पूछा सबसे कि तुम किसका पार्ट बनना चाहते हो, अर्मेनिया का पार्ट बनना चाहते हो या अजरबैजान का पार्ट बनना चाहते हो। तो उन्होंने बोला अर्मेनिया का पार्ट बनना चाहते हो, तो दो इवन वो अजरबैजान में था बट वो अर्मेनिया का पार्ट बन गया। बट अब 2023 में क्या हुआ, अजरबैजान ने ये रीजन वापस ले लिया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि वहाँ पर जो रीजन है नगोर्नो काराबाख रीजन में, वहाँ पे अर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में थी, ठीक है। वैसे ये अजरबैजान का ही पार्ट है, ठीक है। रिकैप्चर, तभी तो वर्ड यूज़ किया रिकैप्चर, की वापस से किसके पास आ गया, जिसका वो था, बट किसके पास था इससे पहले, अर्मेनिया के पास था, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए इनका ये भी आ रहा है 2020 में। अब फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इन 2020 अजरबैजान बैक्ड बाय टर्की फॉट अर्मेनिया और रशियन ट्रीटी एलाय, यार हम वो दोबारा पढ़ना भूल गए, एलाय मतलब दोस्त, एंड कैप्चर्ड मच ऑफ द रीजन, ठीक है। तब भी कैप्चर कर लिया था, रशियन ब्रोकर्ड अ सीज फायर, ठीक है। रशियंस ब्रोकर्ड अ, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग, साफ कर दूं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सिक्स पॉइंट, रशियंस ब्रोकर्ड अ, मैं गुम क्यों हो रही हूँ, ब्रोकर्ड अ सीज फायर अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत बहुत 2020 में कैप्चर कर लिया था, ठीक है। सीज फायर मतलब सीज का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, स्टॉप फायर। ब्रोकर्ड मतलब समझाया, मीडिएट किया, दोनों पार्टीज को समझाया, जिसकी वजह से अग्रीमेंट, दैट लेफ्ट स्टेप, क्या बोल रहे, स्टेप स्टेप ब्रदर, इनका बेचारों का स्टेप अनाक कर्ट, ठीक है। क्या है ये, नगोर्नो, दैट लेफ्ट नगोर्नो काराबाक्स बिगेस्ट सिटी इन हैंड ऑफ लोकल्स, ठीक है। मतलब ये शहर रह गया था इनके पास क्योंकि रशिया ने अग्रीमेंट कर लिया था। द पीस डिड नॉट होल्ड, अजरबैजान ब्लॉकेड द लैचिंग कॉरिडोर, द मेन रोड कनेक्टिंग नगोर्नो कारबाख टू अर्मेनिया, लीविंग 1,20,000 पॉपुलेशन ऑफ द इंक्वेक टू फेस माउंटिंग इकोनॉमिक मिजरी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, पीस नहीं हुआ, अजरबैजान, ये लिखना पड़ेगा भाई, भाईजान, अजरबैजान ब्लॉकेड डिड द लैचिन कॉरिडोर, द मेन कनेक्टिंग नगोर्नो काराबाख टू अर्मेनिया, लीविंग 1,20,000 पॉपुलेशन ऑफ द इनक्लेव इकोनॉमिक मिजरी। तो बेसिकली क्या हुआ, 2020 के अंदर इन्होंने अटैक किया, ठीक है ना, फिर रशिया ने एक अग्रीमेंट ब्रोकर किया, सीज फायर अग्रीमेंट, ठीक है ना। उसके अंदर जो मेन सिटी था एक, क्या था, स्टेप अनाकर्ट, ठीक है, वो रह गया लोकल्स के पास, बट अजरबैजान ने लैचिन कॉरिडोर को ब्लॉक कर लिया, जिसके थ्रू कि नगार्गो काराबाख अर्मेनिया से कनेक्ट होता था, इकोनॉमिक इश्यूज आ गए, ठीक है। एंड फाइनली अब जो है, ठीक है, बट इस टाइप जो चेक पॉइंट, लास्ट वीक इट अटैक्स पैग्रा फोकसिंग द सेपरेट टू हैंड ओवर फुल कंट्रोल टू बाकू, इन इफेक्ट अजरबैजान अचीव्ड इन डे, ठीक है। तो इन्होंने अब अटैक किया 2023 के अंदर, 2023 अटैक्ड द सिटी एंड फोर्स्ड टू हैंड ओवर
कंट्रोल टू बाकू, ठीक है ना। फर्स्ट टर्की टू प्ले अ बिगर रोल इन कॉकेसस रीजन, द फॉर्मर पेरिफेरी ऑफ ऑटोमान टर्क्स थ्रू इट्स वेट बिहाइंड अजरबैजान। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ तो अजरबैजान के साथ कौन था, अर्मेनिया के साथ कौन था? अजरबैजान के साथ टर्की, ठीक है, और अर्मेनिया के साथ रशिया, ठीक है। रशिया बेचारा अपनी वॉर के साथ बिजी था, अजरबैजान कहता है ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इंडिया इज द होस्ट, इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिया क्या करेगा? इंडिया टू होस्ट ग्लोबल समिट ऑन इंटेल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया होस्ट करेगा, तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें रोबोट्स को ट्रेन किया जाता है, मशीन्स को, ठीक है, कुछ काम करने के लिए वो है। एडिशनली एज अ चेयर ऑफ, तो इंडिया क्या कर रहा है, चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज जी पाई। इंडिया होस्ट करेगा, ऑल्सो होस्ट जी पाई ग्लोबल समिट इन दिसंबर। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे एजेंडाज हैं, ठीक है ना। रिस्क बहुत सारे हैं, साइबर बुलिंग हो सकती है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ये सब कुछ हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अभी आपको पता है बहुत सारे इंस्टाग्राम में से लड़कियों की फोटोग्राफ निकाल कर उनको बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। लड़कियों की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वॉइस जो है वो चेंज करके यूज़ करी जा सकती है। लॉ के अंदर अभी वॉइस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रूव होती हैं, ठीक है, तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, यस। तो उसके लिए लॉज लेकर आना, कॉपी राइट इशूज हैं, सॉरी फॉर द बर्ब, कॉपी राइट इशूज हैं। कॉपी राइट इशूज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, प्रॉम्प्ट मतलब उसको बोल रहे हो कि भाई मुझे ये चाहिए, उसमें वो कॉपी कहाँ से लेकर आ रहा है वो सारा, ठीक है ना, गूगल में से ही उठा रहा है, गूगल की डिफरेंट वेबसाइट से उठा रहा है। गूगल तो फिर आपको सिर्फ बताता है, वेबसाइट्स अपना सामान देती हैं, यहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, मतलब गलत चीज़ों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी। उसके बाद आगे चलेंगे, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन असिस्ट इंडिया रेगुलेशन टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट फैसिलिटेट सेफर एआई डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको हम देख सकते हैं, उनसे लर्न करके हम ट्राई कर सकते हैं कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन कर सकें जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो बट वो सेफ हो, ठीक है ना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाए। यूनिसेफ गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑन एआई एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज 9 रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एआई व्हिच ड्रॉज ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन इसलिए ड्रॉ कर देंगे इससे आपको पता चल जाएगा कि हम नो डाउट बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट पॉइंट चेंज हो गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, यूनिसेफ गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑन एआई एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज 9 रिक्वायरमेंट्स फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एआई which draws on the UN Convention on the Rights of the Child. India is a signatory. तो देखिए
अगर हम चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो, जो कि हो भी रहा है, उसको चाइल्ड के लिए सेफ बनाने के लिए यूनिसेफ ने बताए हैं क्या, यूनिसेफ ने दिए हैं 9, यूनिसेफ ने 9 चीज़ें बताई हैं जिसके अराउंड चीज़ें होनी चाहिए, 9 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, कहाँ लिखा मैंने, हाँ ये रहा, 9 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो कि डील करती हैं चाइल्ड को के लिए कैसे सेफ बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड पे बेस्ड हैं, जिसको इंडिया ने साइन किया हुआ, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी। तो अब यार यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स का इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं है, ठीक है, किसने रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि चाइल्ड के लिए कैसे सेफ बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यूनिसेफ ने दिए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अनदर की फीचर ऑफ सक्सेसफुल रेगुलेशन विल बी अबिलिटी टू अडेप्ट टू द वेरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स। कैलिफोर्निया एज अप्रोप्रिएशन डिजाइन कोड एक्ट सर्व एज एन इंटरेस्टिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी डिजाइन है, हम वहाँ से बोरो कर सकते हैं, चीज़ें लर्न कर सकते हैं फ्रॉम देयर। द कैलिफोर्निया कोड पुशेस फॉर ट्रांसपेरेंसी टू इंश्योर दैट डिजिटल सर्विसेज कॉन्फिगर डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग, असेस वेदर एल्गोरिज्म डाटा कलेक्शन और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट सिस्टम हार्म चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या ये हार्म करते हैं चिल्ड्रन को, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेटिंग्स हो जाएं कि अगर कोई बच्चा इस एज का कंप्यूटर देख रहा है तो पेरेंट्स वो सेटिंग कर दें, वो एडवर्टीजमेंट या वो चीज़ें जो है वो एज का बच्चा नहीं देख सके। इंडियन अथॉरिटी शुड इनकरेज रिसर्च विच कलेक्ट्स एविडेंस ऑन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ AI फॉर इंडियाज चिल्ड्रेन एडोलेसेंस, ठीक है, जो टीनेजर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए कि AI कैसे बेनिफिट कर सकता है, रिस्क क्या है और उसको कम कैसे कर सकते हैं। दिस शुड सर्व एज अ बेस लाइन टू वर्क टुवर्ड्स इंडियन एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड ऑफ AI। तो एक हमें लॉस चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जो AI को गवर्न कर सकें, ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है। ये जो समिट्स हैं ये हो सकती हैं इंडिया में, हो क्या, ये हो रही हैं इंडिया में, तो दिस इज़ वेरी मच ही स्क्रूड। न्यूज़पेपर अभी बहुत पड़ा है, ठीक है ना, अगर रोना है तो रोते रहो, मैं तो पढ़ाऊंगी अपना पूरा ही, ठीक है। ऑन September 21 जो आज हंसकर न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना, वो पेपर में भी हंसते हंसते करंट अफेयर सॉल्व करके आएगा, ठीक है, या फिर अगर आज रो रहे हो कि हाँ इतना पढ़ना पड़ रहा है, पेपर में हंसोगे, जो आज हंस रहा है कि हाँ हाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो पेपर में रोएगा। ऑन September 21 द सुप्रीम कोर्ट आस्क कर्नाटका टू कंटिन्यू रिलीजिंग 5,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड Q6 ऑफ वाटर। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कर्नाटका वाले भी खुश नहीं है पानी देकर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि बारिश बहुत कम हुई है जिसके कारण पानी की कमी हो रखी है, ठीक है, अगेन रिपीटेशन था तो इसको छोड़ देंगे। वॉट आर द फाइंडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट पैनल ऑन NEP। तो कल ही हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय भारतीय जनता पार्टी MP विवेक ठाकुर। अब यहाँ पे पहले हम ये लिख ही लेते हैं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय विवेक ठाकुर ठीक है, ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन द स्पेशल सेशन तो हुआ, ठीक है, तो इन्होंने किस चीज पे बात करी, एक मिनट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज NEP 2020 इन हायर एजुकेशन, ठीक है। द रिपोर्ट नोटेड दैट ऑफ द 1043 यूनिवर्सिटीज फंक्शनिंग इन द कंट्री 70% आर अंडर द स्टेट एक्ट एंड 94% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद जस्ट 6% ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये हम नोट कर लेंगे, ठीक है, 1043 यूनिवर्सिटीज फंक्शनिंग इन द कंट्री 70% स्टेट के अंदर आती हैं, स्टेट लॉज के अंदर 94% स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, 6% ही हैं जो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना, तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं मतलब 12th के बाद जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज है, मोस्टली 70% स्टेट वाले में पढ़ रहे हैं, 94% ओ तेरे की 94% सॉरी 94% प्राइवेट या फिर स्टेट में है, सिर्फ 6% ही ऐसे हैं जो सेंट्रल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई द पैनल हैज सजेस्टेड, अब ये यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये पता होना चाहिए, पैनल सेड बाय 2030 एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री शुड हैव एटलीस्ट वन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब सारे मोस्टली सभी डिसिप्लिन्स फील्ड्स एरियाज कवर करें, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, हायर एजुकेशन में कम लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने, ग्रॉस एजुकेशन रेशियो इन हायर एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 26.3% इन 2018 टू 50% बाय 2035, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कल भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, एम ई एम ई क्या है, मीमी सिस्टम क्या है बताओ, कौन बताएगा। मीमी सिस्टम इज मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। इस पैनल ने क्या बोला इसके बारे में, मैंने कल ये लिखवाया, इस पैनल ने बोला है कि इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी होना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें क्या है कि कभी भी आप एंट्री मार सकते हो अपनी हायर एजुकेशन में और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आपने 1 ईयर की पढ़ाई करी उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर की पढ़ाई करी आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 करी ठीक है यहाँ पर डिप्लोमा मिलेगा, यहाँ पर आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल आपने पढ़ाई करी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, तो ऐसे है। तो अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हो तो वापस से भी ज्वाइन कर सकते हो। वो कह रहे हैं इंडिया में ये एप्लीकेबल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद बात हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं वो होमोजीनियस नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है, हेटरोजीनियस है, मतलब अलग अलग हैं, ये ऑदर्स बोल रहे हैं। तो वहाँ पर ही पता चला कि बेस बारूहा कमेटी बिठाई गई थी एक, ठीक है, कौन सी कमेटी, बेस बारूहा कमेटी, ठीक है, ये कौन सी कमेटी है, सेटअप इन 2014 टू लुक इन टू वेरियस कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कंट्री पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीचिंग आउट हैड रिकमेंडेड रीचिंग आउट टू पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट अब इन्होंने 1 मिनट, क्या रिकमेंड किया, रिकमेंडेड रीचिंग आउट टू पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वाया सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप उनको रीच करें, उनसे पूछें ये रेकमेंड किया गया था। बेसिकली क्वेश्चन तो यही है कि बेस बारूहा कमेटी किसके लिए अपॉइंट करेगी थी, नॉर्थ ईस्ट कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद जयशंकर गुटरस, अब यहाँ पे यूएन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, अंटोनियो गुटरस, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो ये आप लिख लेंगे। 78 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली चल रहा है, वहाँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए हैं। वी कैन स्क्रैप जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, गीता मित्तल कमेटी क्यों बनाई गई,
उनको हीलिंग टच देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, कौन हेड कर रही थी, क्या कहाँ पे हीलिंग टच देने के लिए, मणिपुर के अंदर जो राइट्स हुए हैं वहाँ पर हीलिंग टच देने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें बस पता होना चाहिए हीलिंग टच देने के लिए कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कौन करें, गीता मित्तल। किसने बनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। IAF इंडक्ट्स C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो लिख लेंगे IAF इंडक्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली बिगैन फेजिंग आउट इट्स लेगेसी HS-748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम सर्विस व्हेन द फर्स्ट C-295 MW एयरक्राफ्ट वॉज इंडक्टेड इन टू सर्विस इन अ फॉर्मल सेरेमनी एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन ऑन मंडे। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वॉज इंडक्टेड इन टू द नंबर 11 स्क्वाड्रन द राइनोज बेस्ड इन वडोदरा। तो यह भी नोट करना पड़ेगा किसको फेज आउट, फेज आउट मतलब निकाल रहे हैं, टाटा बाय बाय बोल रहे हैं HS-748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देखो यार इतनी बार पढ़ लिया ना, जब वहाँ पे क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस पढ़ते हो ना तब याद ही आ जाता है खुद ब खुद ही। ठीक है, ये क्या है फ्रॉम सर्विस, ठीक है, फर्स्ट C-295 MW इंडक्टेड एट हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, फर्स्ट वॉज इंडक्टेड इंटू नंबर 11 क्वाड्रन द राइनोस बेस्ड इन वडोदरा। ठीक है, पहला वाला जो है कौन से स्क्वाड्रन में ऐड किया गया है, राइनोस के अंदर, जो कहाँ पर बेस्ड है, वडोदरा में। ठीक है, और किसको फेज कर रहे हैं, फेज आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, चलिए बाकी सारा हमने डिटेल्स किया हुआ है। मूडीज की जो रिपोर्ट आई थी उस पर सेंटर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं आधार कार्ड को, तो मैसे ही मत बोलते रहो। एट इंस्टीट्यूट्स गिव एन एरे ऑफ रीजंस फॉर जोशीमा सिंकिंग, तो हमने ये बार बार पढ़ा, ठीक है ना, एट इंस्टीट्यूट्स ये लिखना तो पड़ेगा, चलो लिखते हैं। एट इंस्टीट्यूट्स गिव रीजंस फॉर जोशीमठ सिंकिंग। अब देखिए जोशीमठ जो है वो कहाँ पर है और उसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, जो जोशीमठ है ना कहाँ पर है, चार सेक्शन में कोई बता सकते हैं? जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, और वहाँ पर जो लैंड है वो खिसक रहा है जिसकी वजह से सिंकिंग हो रही है, ये जो शहर है ये डूब रहा है, ठीक है ना। गेटवे बोला जाता है बद्रीनाथ, गेटवे टू बद्रीनाथ भी है ये, चलिए वो बाद में करेंगे। सेपरेट स्टडीज कैन कंडक्टेड बाय एट इंस्टीट्यूट्स कॉज ऑफ लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, लैंड सिंकिंग या लैंड, ये भी लिख सकते हैं, लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड चलो पहले हम ये लिख लेते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला लिखने के बजाय पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी IIT रुड़की। ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, छोड़ो बहुत सारे, एट इंस्टीट्यूट्स याद कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं बट मतलब क्वेश्चन ही। इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है, वो वर सबमिटेड अर्लियर दिस ईयर पब्लिक इन रिपोर्ट CBRI सबमिटेड दैट CBRI, अब इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं किसने क्या बोला है,
इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। Town has 44%, 42%, 14% of masonry, RCC, and other traditional hybrid construction, 99%. Non-engineered, non-compliance with national building code of India 2016। तो वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, मास्कनरी, मास्कनरी का मतलब क्या होता है, ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है, ब्रिक सीमेंट वाली कंस्ट्रक्शन हो रखी है बहुत ज़्यादा, 44% ट्रेडिशनल है, बट और प्रॉब्लम क्या है, नॉन इंजीनियर्ड, इंजीनियर्स ने नहीं बनाई है, ऐसे ही बना दी है, ठीक है, और फिर उसके बाद नॉट कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, इसके साथ कंप्लायंस कंप्लाई नहीं करती है जो कंस्ट्रक्शन है। Joshimath town is situated on Vikrita groups of rocks overlain by monadic deposits which are composed of irregular boulders. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनाया है, Joshimath town situated on Vikrita groups of rocks, ठीक है ना, जिनकी वजह से इरेगुलर, कंपोज्ड ऑफ इरेगुलर बाउल्डर्स, ठीक है, क्ले ऑफ वेरिंग थिकनेस, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बेस के अंदर, देर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्रीपिंग एंड ओकेजनल सब्सिडेंस इन द रीजन, व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 2022, जनवरी 2023 वाज अनदर सच इवेंट, पहले भी हो चुके हैं लैंड सब्सिडेंस। The isotopic and water quality signature of the samples from NTPC site differs from JP site as well as drains and springs in nearby area of Joshimath. The bacteriological analysis also suggested that the gush water is fresh water and not contaminated by the local drains. The report suggested giving a clean chit to the NTPC whose construction activities were being dubbed. So, वो कह रहे हैं, report gave clean chit to NTPC whose construction activities were taken as biggest reason for land subsidence। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, अब देखिए वो कह रहे हैं एनटीपीसी जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे उनको माना जा रहा था कि ज़मीन इसलिए खिसक रही है जोशीमठ की क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं उसकी वजह से नहीं खिसक रही है। द WIHG मेंशन्ड अर्थक्वेक्स एज अ रीज़न फॉर स्लो एंड ग्रेजुअल लैंड सब्सिडेंस, वो कह रहे हैं कि WIH क्या कह रहे हैं, अर्थक्वेक, ठीक है, इज द रीज़न। WIH की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है, WIHG मेंशन्ड अर्थक्वेक्स एज अ रीजन फॉर स्लो एंड gradual land subsidence, ठीक है,
After an analysis by small baseline subset interferometry SAR technique, ISRO stated that the subsidence in Joshima region may be due to toe-cutting phenomena, slope instability as a result of seepage of local drainage water in the soil, terrain, and edaphic characteristics, loose and unconsolidated moraine materials of the slope. अब ISRO ने क्या बोला है? ISRO कहता है कि इसका reason जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? टो कटिंग फिनोमिना स्लोप इंस्टेबिलिटी, मतलब स्लोप जो है वो स्टेबल नहीं है, और प्लस सीपेज, जो लोकल ड्रेनेज है पानी, सीपेज ऑफ लोकल ड्रेनेज वाटर इन सोइल, ठीक है, इसी वजह से भी हो सकता है. मल्लिका भनोत एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट एक्टिविटीज सेड इन 2012 आफ्टर ओखी मठ डिजास्टर देयर वाज अ क्लियर रिकमेंडेशन बाय स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू स्टॉप ब्लास्टिंग इन विसिनिटी ऑफ जोशीमठ. द रिपोर्ट हैड आस्क्ड टू रेगुलेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सारा ये इन लोगों ने बताया कि क्यों वहाँ पर हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी और सारे रीजंस दिए हुए थे, ये वाले यहाँ पर रीज़न दिए हैं, सेस्मिक एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन लूप होल्स, पॉपुलेशन प्रेशर, पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड अदर्स एज द लाइकली रीजंस ऑफ सिंकिंग ऑफ हिमालयन टाउन. ठीक है ना, तो ये सिंक हो रहा है, यहाँ पे लोगों को नई जगह देनी पड़ेगी बिकॉज ये पूरा का पूरा टाउन ही सिंक हो रहा है. इसरो टेस्ट इंजन फॉर गगनयान मिशन. गगनयान मिशन क्या है? ह्यूमंस को कहाँ पे भेजना है? स्पेस में भेजना है और वापस उनको लैंड करवाना है. दैट इज़ द मिशन ऑफ गगनयान. ठीक है, तो इसरो टेस्ट्स इंजन फॉर गगनयान मिशन. इसरो टेस्ट इंजन फॉर गगनयान मिशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड CE20E13 इंजन और टेस्टेड एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स दैट इज IPRC महेंद्र द्रगिरी CE20 engine is a vital component ki spelling galat likh diya, serving as powerhouse of the cryogenic upper stage CUS responsible for propelling upper stage power देता है upper stage LVM3 vehicle को. ठीक है, successful हो गया इसका test. बस इतना ही गगनयान का इंजन के बारे में पढ़ लिया. रेलवेज टाइटन सेफ्टी रूल्स आस IRCTC टू अरेंज केटिंग फैसिलिटी. अब क्या हुआ, मदुरई के अंदर एक ट्रेन में आग लग गई थी. ये आग क्यों लग गई थी, क्यों लग गई थी आग, एक मिनट गाइस. एक्चुअली लंच का टाइम हो गया था तो सब बुला रहे थे, बट आई हैव टू कंप्लीट द क्लास, तो उनको बता दिया. द इंडियन रेलवेज हैज टाइटन सेफ्टी रूल्स इन द ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स एंड कोचेस बाय इशूइंग फ्रेश गाइडलाइंस. बेसिकली क्या हुआ था, मदुरई में एक ट्रेन जा रही थी, मदुरई में वहाँ पे वो सिलेंडर लेकर जा रहे थे, कॉफ़ी बना रहे थे, आग लग गई, 9 पैसेंजर्स डाइड. तो अब वो कह रहे हैं या तो जो रेलवेज खाना दे रही है वो खाओ,
या फिर कुकिंग तो नहीं मतलब अलाउ करेंगे ऐसे. इंटरपोल इशूज रेड नोटिस अगेंस्ट BKI टेररिस्ट. द इंटरपोल इशूड रेड नोटिस अगेंस्ट अलेज बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेररिस्ट करणवीर सिंह ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन इन्फोर्समेंट एजेंसी. द 38 ईयर ओल्ड अक्यूज हु इज सस्पेक्टेड टू हैव फ्लेड टू पाकिस्तान इज ओरिजिनली फ्रॉम कपूरथला इन पंजाब. द BKI इज हेडेड बाय वाधवा सिंह. इट्स नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान इंडिया यूरोप UK एंड द US. अकॉर्डिंग टू द नोटिस सिंह फेसेस एलिगेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मर्डर ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्म्स एक्ट. ये सारा है तो हम लिखेंगे इंटरपोल जो दुनिया की प्लेस इंटरनेशनल इंटरपोल इश्यूज रेड नोटिस टू करणवीर सिंह ठीक है टेररिस्ट बब्बर खालसा इंटर नेशनल दैट इज BKI ठीक है. चलिए नेपाल चाइना साइन 12 अग्रीमेंट. चाइना एंड नेपाल ऑन मंडे साइन 12 अग्रीमेंट. चाइना एंड नेपाल साइंड 12 अग्रीमेंट ठीक है. तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ठीक है, क्योंकि चाइना अगर नेपाल में घुस रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. यूक्रेन सेज रशियन ब्लैक सी फ्लीट कमांडर. यूक्रेन स्पेशल फोर्सेज ऑन मंडे सेड दैट एडमायरल विक्टर सोकोलोव द कमांडर ऑफ रशिया ब्लैक सी फ्लीट हैज़ बीन किल्ड इन यूक्रेनियन अटैक लास्ट वीक ऑन द फ्लीट हेडवाटर्स इन क्रिमियन पोर्ट ऑफ सेवास्टोपोल. द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री डिक्लाइंड ठीक है. अब देखते हैं कि क्या हुआ है. फिलिपिन रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शॉल. शॉल क्या होता है, एरिया होता है जहाँ पे नेचुरली ब्रिज बन जाए ठीक है, वो रिमूव कर दिया. द फिलिपिन कोस्ट गार्ड सेड ऑन मंडे इट हैज कम्प्लाइड विद द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर टू रिमूव अ फ्लोटिंग बैरियर प्लेस बाय चाइनाज कोस्ट गार्ड ठीक है. कुछ बैरियर ये देख रहे हो, ये काट रहा है ये जो ठीक है बैरियर कोस्ट टू प्रिवेंट फिलिपिनो फिशिंग बोट्स फ्राम एंटरिंग अ लेगून इन द डिस्प्यूटेड शॉल इन द साउथ चाइना सी रीजन. ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लिख लेते हैं. फिलिपिन हाँ, अगर वो नेपाल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो हमारी भी फिलीपींस और इन सब के साथ है जो इनको यहाँ इनके यहाँ धमाल मचाएंगे. गार्ड कोस्ट गार्ड रिमूव्ड फ्लोटिंग बैरियर प्लेस्ड बाय चाइनाज कोस्ट गार्ड to prevent Filipino fishing boats from entering a lagoon in a disputed shoal in साउथ चाइना सी ठीक है ना. उनकी फिशिंग बोट्स को एंटर नहीं करने देते थे, रस्सी बांधी तो फिलीपींस कहता लो हमने काट दी, कर लो जो करना है. चलो फॉलोइंग इंडिया US रेजेस कंसर्न ओवर चाइनाज वेसल. तो इंडिया और US जो कंसर्न है श्रीलंका के यहाँ पर, ये चाइना अपना वेसल लगा देता है आकर. कौन सा वेसल लगा रहा है, शियान 6 एक्सपेरिमेंट 6 है ठीक है ना. शियान 6 दैट इज एक्सपेरिमेंट चाइनाज वेसल इन श्रीलंका. ऑब्जेक्शन बाय इंडिया एंड USA. यार आज तो राइटिंग ठीक है यार, आज भी समझ नहीं आ रही. इंडिया रिटेन्स वर्ल्ड रेलवे टेनिस टाइटल. एक्चुअली पता क्या है, जो ये लिखने की दिक्कत है ना, मतलब नॉर्मल बोर्ड पे तो यार मेरी राइटिंग सही आ जाती है, बट यार नोटबुक में भी, बट यहाँ पे यानी कि इतनी गंदी आ रही है. इंडिया रिटेन्स, ये इतना पतला हो गया. इंडिया रिटेन्स वर्ल्ड रेलवेज टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल. वर्ल्ड रेलवेज की टेनिस चैंपियनशिप हुई, हमारे रेलवेज वाले
कहते हैं हम जीतेंगे. चाइना मे नॉट बी फेवरेट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स इन जनरल बट फॉर द रोअर्स इट हैज़ बीन अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड विथ 5 मेडल्स इन द 19th एशियन गेम्स हेयर विच इक्वल देयर प्रीवियस बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एंड इंडियंस आर नाउ होपिंग फॉर बिगर सक्सेस. क्रिकेट वाला जीत लिया समरीति मधाना इज द कैप्टन. उसके बाद इंडियन मैन ओपन विनर वुमेन विद अ विन वुमेन गो डाउन टू उज्बेकिस्तान. इट वॉज अ बिटर स्वीट डे फॉर इंडियन बास्केटबॉल मंडे. 3x मैच सो द मेन्स टीम विनिंग इन ग्रुप सी क्लैश अगेंस्ट मलेशिया. मतलब अभी गोल्ड नहीं जीता है बट जीत लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हम कुछ भी जीत सकते हैं, हम इंडियंस हैं, मेहनत करेंगे और सब कुछ जीत लेंगे. logiri.in पर जाइए एंड वहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं. एजुगिरी 50 का कोड लगा सकते हैं. डेली लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं. डेली लेक्चर्स कौन से होते हैं, ये तो यहाँ पर हो रहा है. डेली नोट्स, ये वाले नोट्स जो आपको मिल जाएंगे. आज की राइटिंग कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताना. हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय बाइंग आर स्टफ और फ्रॉम logiri.in एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट बाय कॉमेंटिंग, बाय लाइकिंग, बाय शेयरिंग अबाउट अस. एंड या दैट्स इट.